हेलो ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू ब्यूटीफुल यू चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ ये तो ये है कोलगेट विजिबल वाइट टूथपेस्ट। तो रिसेंटली मैं इसके बहुत सारा ऐड देख देख के मैंने सोचा कि मैं ज़रूर इसको ट्राई करूँगी और आपको इसका रिव्यू शेयर करूँगी कि सच में ये दांतों को सफ़ेद बनाता है कि नहीं। उसमें लिखा है वन शेड लाइटर वाइटर इन वन वीक, तो एक हफ्ते में एक शेड का ये करता है क्लेम। तो इसके हिसाब से हमें ये टूथपेस्ट करना है हफ्ते में, दिन में तीन बार हमको ये दो दो मिनट के लिए करना है। तो सुबह शाम रात ऐसे या कोई भी टाइम आपको तीन बार दो दो मिनट के लिए करना है फॉर वन वीक टू गेट एक शेड लाइटर इन वन वीक। तो जैसे ही इसने बोला है, मैंने तीन बार तो ब्रश नहीं किया, इतना तो मेरे पास टाइम नहीं है कि तीन बार बस ब्रश करते ही बैठो। सुबह और रात जो है वैसा मैंने ब्रश किया। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके टीथ के कलर में तो फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ आप वो फ़र्क देख सकते हैं। आपका एक शेड तो लाइट होता ही है, लगभग आप एक शेड बोल सकते हैं। मैंने कोई मेजर करके तो देखा नहीं, लेकिन हाँ मुझे लाइट फील हुआ अपने दांतों का कलर। और इसमें लिखा है कि आपको डेली यूज़ करना है ये, तभी आपको रिज़ल्ट आपका जो मेंटेन रहेगा। और आपको पी साइज़ अमाउंट ही लेना है, भर भर के नहीं लेना है। या आप सोचो कि भर भर के ले लेंगे तो हमारे दांत बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और बच्चों को ये नहीं देना है। और इसमें है कि इट फाइट्स कैविटी और आपके प्रोटेक्ट इनामिल को प्रोटेक्ट करता है और आपके जो ब्रेथ है उसको फ्रेश रखता है। तो मुझे कैविटी इसका तो पता नहीं कि आई डोंट नो, मैंने अभी तक एक हफ्ते में मुझे पता नहीं पड़ा कैविटीज़ के लिए ये करता है कि नहीं, आगे जाके शायद मालूम पड़े। बट मेरे जो ब्रेथ है वो मैं फील कर पाई, वो फ्रेश फील हुई और उसके साथ साथ मेरे दांतों में भी फ़र्क आया। करीबन 100 रुपये में मुझे ये मिला है, और कितना है ये, 100 रुपये में करीबन 100 ग्राम है, तो विच इज़ अफोर्डेबल। 100 में 100 ग्राम आपको मिल रहा है आराम से। मेरे ख्याल से एक जने को 2-3 महीना आराम से लास्ट करेगा, क्योंकि आपको पी साइज ही लेना है। तो आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ भी इससे मुझे सेंसिटिविटी की इशू नहीं हुई या जलन, ऐसा कुछ भी इशू नहीं हुआ। नॉर्मल जैसे टूथपेस्ट है वैसा ही है। बट आपको ये ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं करना चाहिए। जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने यही बोला था कि आपको करना है तो आप थोड़ा ड्यूरेशन के लिए यूज़ कीजिए, जैसे 15 दिन 1 महीना के लिए यूज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए ऐसे टूथपेस्ट को। रेगुलर टूथपेस्ट पर स्विच हो जाइए। पर आपको अगर अपना टीथ लाइट करना है तो आप थोड़ा टाइम के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने थोड़ा टाइम के लिए यूज़ किया, करीबन एक हफ़्ता हुआ है। एक हफ़्ता और करके मैं इसको डिसकंटिन्यू करूँगी, रेगुलर टूथपेस्ट पर चले जाऊँगी। उसके बाद वापस मैं इसको ऑन ऑफ करके यूज़ करके ख़त्म करूँगी, रेगुलर यूज़ नहीं करना आपको। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। टिल देन बाय बाय, टाटा टेक केयर।